हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो वाले का सकाई के मुनाचो, कैसे हो आप सभी। तो एक काफ़ी लंबे समय के बाद हम वापस आ पहुंचे हैं अपने कॉलेज व्लॉग्स के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हम लोग प्रॉपर फॉर्मल्स पहन के आए हुए हैं, बैच पहना हुआ है उड़ान सोसाइटी का। और एज़ यूजल, जैसा हमने आपको बताया होगा कि आज हमारे कॉलेज में दोस्तों इवेंट होने वाला है, उड़ान सोसाइटी करवा रही है, जिसमें कि विकास दिव्य कीर्ति सर आने वाले हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से वो इवेंट दिखाने वाले हैं, सब कुछ कवर करेंगे। और अपनी सोसाइटी करा रही है हम, इंटीग्रल पार्टी ऑफ सोसाइटी का, तो जितनी अच्छी क्लिप्स हो सकेंगी उतने अच्छे से दिखाएंगे आपको, और सारी फुटेज बहुत एकदम क्लियर होने वाली है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में जुड़े रहें हमारे साथ। और एक और नया इवेंट उड़ान सोसाइटी का, एक और बार दिव्य कीर्ति सर आ रहे हैं हमारे हंसराज कॉलेज में। तो बस मिलते हैं आपसे इसी वीडियो में, जुड़ रहे हैं और पूरा एंड तक देखें इस वीडियो को, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ये इवेंट बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो कुछ भी मिस मत कीजिएगा, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करने का सोचा है और हालांकि करेंगे भी। तो बस शुरू करते हैं, लेट्स गो। जब मैं विद्यार्थी था तो इस कॉलेज में अक्सर आता था, तब वो यहाँ नई नई प्राध्यापिका बनी थी। मैं डिबेटिंग कॉम्पिटिशन भी आता था, वो जज होती थी, इनसे प्राइज लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने हार मानी नहीं और एक अपना प्राइज जीत भी लिया उनके हाथों से। अब वो हमारी वरिष्ठ साथी हैं, करीब 30 साल से हम लोग परिचित थे। बोले मैं तो परिचित हूँ, वो तो ध्यान नहीं रखती होंगे, लेकिन मैं तो दूसरा शुक्रिया इस उड़ान सोसाइटी का। मैं जब पिछली बार आया था, समय की थोड़ी सी कमी रहती है, तो जब मुझे पता लगा कि हंसराज कॉलेज से दो सोसाइटीज एक साथ अप्रोच कर रही है, तो मैंने दोनों बच्चों को एक साथ बुलाया है अपने पास, फलक भी थी उसमें, पर मैंने दोनों से निवेदन किया कि भाई एक ही बार कर दो, एक ही प्रोग्राम के पीछे दोनों बैनर लगा देना, मैं एक बार आके दोनों काम कर लूँगा। पर इन दोनों में वहाँ पर ठीक ठाक जोर आजमाइश हुई और उन्होंने तय हुआ कि दो ही बार आना होगा। तो पिछली बार तो मैं करीब 6 महीने पहले आया था, निष्ठा सोसाइटी का गवर्नेंस पे सेमिनार था शायद। इनको हम सोच रहे थे कि टाल-मटोल करके मैनेज कर लेंगे, हमने काफ़ी कोशिश की, हमारे टीम ने काफ़ी बहाने लगाए कि सर बिजी हैं, भारत के बाहर हैं, दुनिया के बाहर खूब बोल रहे हैं, हमें लगा कि अंत में हार के गिव अप कर देंगे या लेट गो कर देंगे, कुछ तो करेंगे, पर ये नहीं मानी। इन्होंने मुझे मैसेज किए, कभी कभी लगभग हर्ष होती हुई लैंग्वेज में मैसेज किए कि सर आपने वायदा किया था, कैसा पीछे नहीं सकते। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, आना तो है ही, अंत पर आज का दिन तय हुआ। फिर टॉपिक्स की बात हुई तो इनका निवेदन था कि बस मोटिवेशन पे कुछ भी बोल दीजिए। तो मैंने कहा भाई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मुझे वो सब नहीं आता, आप कुछ भी टॉपिक देंगे तो शायद मैं बात कर पाऊंगा। तो फिर इन्होंने कुछ टॉपिक्स भेजे, 4-5, कि आप इनमें से कोई भी एक चुन लीजिए। मुझे उनमें से जो सबसे ठीक लगा आप लोगों की उम्र को देखते हुए, वो था द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, राइट, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो आपकी पीढ़ी का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, हमारी पीढ़ी में तो वो नहीं होता था, हम तो उस पीढ़ी के उस क्षेत्र के लोग हैं, मैं हरियाणा से हूँ, पंजाब का असर हम पे रहा है ठीक ठाक, हिंदी भाषी हम लोग रहे हैं, अंग्रेजी हालांकि मैं बोल लेता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हिंदी ही मेरी आत्मा की भाषा है।
तो जब मैंने सोचा कि लेटरिंग रूम, मैंने टीम से पूछा क्या होता है लेटरिंग रूम, तो हमारी टीम में कुछ यंग लोग हैं, उन्होंने बताया कि सर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग भी समझेंगे, हमारी पीढ़ी के लोग समझते हैं। लेट गो का मतलब होता है कि छोड़ो, जाने दो। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो हमारी पीढ़ी में भी होता था, हम इसके लिए शब्द कुछ और बोलते थे, जैसे मेनू की, पेनू की, छोड़ो यार, अरे बटिया दो, अरे भाग जाए, अरे देखा जाएगा, अरे देख लेंगे, तो हिंदी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, बिहार में, अरे मटिया दो, तो वहां मटिया दो बोल देते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा में मुहावरा आ जाने से ऐसा सुनते हैं कि भारत के लोग उसके बिना काम चला रहे थे, यह भी काम चले जाता लंबे समय से। तो फिर मैंने कहा ये टॉपिक ठीक है, और जिस उम्र के बच्चों को एड्रेस करना है, जिस उम्र के बच्चे अक्सर इमोशनल टर्मोइल में रहते होंगे, यही उम्र है जब दिल लगता है टूटता है और करियर बनेगा नहीं बनेगा, फेलियर्स मिलते हैं, तो जिस उम्र में इमोशन सबसे ज्यादा उठा पटक करते हैं, उछल कूद मचाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब होता है, उस उम्र के बच्चों से बात करने के लिए सबसे मौजूद टॉपिक मुझे यही लगा, सबसे अच्छा टॉपिक यही लगा कि हम इसी पर बात करते हैं। मैं पहले डिस्क्लेमर्स लगा दूं, मैं मनोविज्ञान का अध्यापक नहीं हूं, मैंने साइकोलॉजिस्ट में ना एमए किया है, ना एमफिल, ना पीएचडी किया है, ना मैं मोटिवेशनल चीजें करने का कोई सर्टिफाइड अध्यापक हूं। मैं तो अपने जीवन के अनुभवों से, साहित्य से, दर्शन से, कानून से, पढ़ते पढ़ते जो मैंने सीखा, और बाकी उस सबसे ज्यादा सीखा 50 साल के जीवन में, जिसमें से 25 साल का जीवन अध्यापन में और अपना उद्यम करने में खर्च हुआ। अनुभवों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, तो मैं अनुभवों से सीख के बातें करना पसंद करता हूँ। हालांकि हंसराज को इसका खौफ इतना ज्यादा होता है कि जब मुझे पता लगा कि मेरा टाइम फिक्स हो गया आने का, मैंने भी टीम से कहा कि लेटिंग गो की किताब है तो देखो, देखो मैं देखते हूँ क्या होता है। तो दो किताबें उन्होंने भेजी, बड़े भारी भरकम अंग्रेजी और संस्कृत थी, तो मैंने 4-5 दिन पहले पढ़ना शुरू किया, 5-10 मिनट पढ़ के मुझे लगा कि उससे बात बनेगी नहीं, वो अलग टाइप की बातें थी, बड़ी थ्योरेटिकल सी बातें। तो मैंने क्या थियरी में क्या रखा है, हम बच्चों से बच्चों की दीवाने बात करेंगे, उसका मजा ज्यादा है, क्यों थियरी में जाए। तो मैं जो कुछ भी अगले 1 घंटे में, मतलब 1 घंटा के, आधा घंटा के, 1 घंटा, मैं आपके चेहरे से अंदर लगा दूंगा, फिर चेहरे में भाव ऐसे ले आएगा कि आप सुनना चाह रहे हैं। मैं तो अभ्यस्त हूँ, मैं 8 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाता हूँ जनरली, तो मैं तो अभ्यस्त हूँ सुबह से रात तक पढ़ाने के लिए, आप अपना देख लीजिए कितना आप सुनने की हालत में। और ऐसा ना हो कि मैं अपनी स्पीड सुनने के लिए मोटिवेट करूँ आपको, वो मैं नहीं करूँगा, उससे बेहतर ये कि बीच में छोड़ दीजिए, और मैं आपको, मैं आपकी उम्र का भी ध्यान रखूँगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना टॉर्चर ठीक नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। पर मेरा ख्याल है कि आपको मजा आएगा, क्योंकि आपकी उम्र से जुड़ी बातें हैं, आपको अच्छा लगेगा। ये माइक थोड़ा अगर ठीक हो सके, अगर भूल रही है तो देख लीजिए, स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक शब्द है गिव अप करना, एक है लेट गो करना। कभी कभी लगता है कि दोनों बातें एक जैसी हैं, पर दोनों बातें एक जैसी हैं। गिव अप करने का मतलब होता है हार मान लेना। मसलन आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं इसी एग्जांपल से बात करता हूं, पलक ने कोशिश की कि मैं यहां पर आ जाऊं, कोशिश की, और मैं यही कहने चाह रही हूँ मैं बहुत व्यस्त आती हूँ, लेकिन हाँ व्यस्तता रहती है। मैं आजकल अवॉइड करता हूँ कि कहीं जाऊँ, क्योंकि पता नहीं पिछले 3 साल में ऐसा क्या हुआ, इन्विटेशन इतने मुझे आने लग गए हैं। मैं 25 साल से पढ़ा रहा था, पूछता भी नहीं था मुझे, ये कोविड में यूट्यूब में पता नहीं क्या हुआ है, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्विटेशन आते हैं। कुछ तो ऐसी जगह से आते जिससे कोई दूर दूर तक का संबंध ही नहीं, कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का इन हाउस प्रोग्राम है, कह रहे वहां से मोटिवेट कर, तुम्हारी है मैं कैसे मोटिवेट करूँ। तो फिर अब हमने पॉलिसी बनाई कि जितना कम हो सके उतना कम जाए। रमा जी का आदेश तो मेरे सर माथे पर, मेरे सीनियर है, मैं उनको मना नहीं कर सकता, लेकिन जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ। अच्छा, मना करना खराब लगता है, तो हम क्या करते हैं कि धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जैसे इनके लिए सिंपल पॉलिसी, जब कोई बच्चा कहे आने के लिए, उसको बोलो कि सर 3 महीने फ्री नहीं, 6 महीने फ्री नहीं, एक सर चंद्रमा पर गया हुआ है, कुछ ऐसा वैसा बोल के टालो, किसी का दिल भी ना दुखे और मैं भी अपना समय बचा। तो हमने इसको बहुत परेशान किया,
तीन बार चार मतलब किया तो मेरी टीम के मेंबर ने, पर मेरे निर्देश पे किया, तो आप उनको मत पूछिए मैंने कहा। तो तीन बार चार बार पांच बार टाला, नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे, अच्छा देखते हैं, नहीं हो पा रहा ऐसे करके। अब इनके सामने दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ये था कि हार मान लेती और अंत बोलती कि चलिए कोई बात नहीं, दुख हो रहा है हमें, ये होता है गिव अप करना। एक दूसरा चांस भी होता है, उसका स्टैंड भी होता है कि कोई चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं आपको नहीं मिल रही, मसलन ये मुझे बुलाना चाह रही मैं नहीं आ रहा, मैं बिना वक्त के भाव का नहीं आ रहा हूं। और एक समय के बाद ये इस मूड में आ जाती कि भाड़ में जाओ, नहीं यार भाड़ में जाओ, तुम जैसे बहुत देखे हैं, एक ढूंढने के 100 मिल जाएंगे तुम्हारे, क्या समझते हो आपको। और फिर मैं कहता मैं ना चाहता हूँ, नहीं हम बुलाएंगे आपको, ये होता है लेट गो करना। क्यों किसी को तरह भाव देना है, अगर कोई चीज नहीं हासिल हो रही तो भाड़ में जाए, क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी, क्यों परेशान होना है। गिव अप करने में और लेट गो करने में इतना ही अंतर है कि आपने हार मान ली या आपने जेल से निकाल दिया, दिमाग से ही निकाल दिया। किसी चीज को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है, किसी चीज के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना है। मुझे खुशी है कि आपकी मोटिवेशनल सोसाइटी के मेंबर्स कम से कम गिव अप नहीं करते, अच्छा वो लेट गो भी नहीं किया मुझे मेरा सम्मान बच गया। और ये अच्छा है कि इसी विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं। मैंने इस विषय में ये भी सीखा कि आपकी उम्र के बच्चों को कुछ भी बताने का सबसे अच्छा तरीका है कहानियां सुनाना। और आपकी उम्र की बात नहीं, लेन देन पर आप भी शर्त होंगे, मैं भी वहां पर हूँ, जो प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा माना जाता है। मैंने देखा कि आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं या सीएक्सओ कहते हैं, सीएफओ है, सीटीओ है या सीएचआरओ है, जो चीफ ऑफिसर होते हैं किसी कंपनी के, उनके लिए स्पेशल कोर्सेज चलते हैं स्टोरी टेलिंग के। और उसमें मांग यह गया है कि अगर आप किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं तो बेसिकली जो स्किल आपको आनी चाहिए वो स्टोरी टेलिंग की आनी चाहिए, आप कहानी सुना सकते हो। मैं सच्ची कहानियां सुनाना पसंद करता हूँ, झूठ बोलने से बचता हूँ। मैं आपको तीन चार छोटी छोटी कहानियां सुना रहा हूँ, ये सारी कहानियां सच्ची हैं, 1% सच्ची हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिनकी कहानी उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी प्राइवेसी का मामला है, पर हाँ सच्ची कहानी है। अच्छी बात है कि इन कहानियों के किरदार हम लोग नहीं बने, ईश्वर करे हम कभी ना बने, लेकिन कहानी सच्ची। जब मैं दिल्ली आया था 1990 में, मैं हरियाणा के शहर से भिवानी से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। मेरे ड्रीम कॉलेज में हंसराज भी था, पर मेरा संयोग से मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में हुआ। मेरे अंक ठीक थे, यहाँ हो सकता था, पर मैं तो नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला, पता लगा वही कॉलेज है, वही एडमिशन ले लिया मैंने। तो लोगों ने कहा कि यार कैंपस बड़ा अच्छा होता है, मैंने क्या फर्क पड़ता है, कॉलेज को नहीं जाता है, छंडो यही छंडो में सिखाने आए हूँ आपको, स्टेशन से निकले वही कॉलेज है, मैंने घर जाना होगा तो आराम से क्या रहता है कैंपस में। पर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही आया था उसी शहर से, उसने एडमिशन हंसराज कॉलेज में लिया। मैं और वो स्कूल के डिबेटर्स थे, डिबेटिंग में हम लोग स्कूल टाइम से काफी एक्टिव थे, डीयू में यहाँ भी एक्टिव रहे। डीयू में मैंने 5 साल डिबेटिंग किया, मेरा ख्याल है कि लगभग मतलब 300-400 डिबेट्स मैंने जीती होंगी डीयू में, कुछ हरी नहीं होंगी, लेकिन मैंने खूब डिबेट, वो मेरा दरअसल दाना पानी था, रोजी रोटी मेरी रही थी कॉलेज के दिनों में, घर से पैसे में लेता नहीं था, मिलते भी नहीं थे, देना क्या था, मतलब ऐसी स्थिति नहीं थी तो मेरे घर में मिल सके। तो डिबेटिंग मेरा रोजगार था, एम्प्लॉयमेंट था, मेरा उससे काम चल जाता था आराम से, उसका भी चल जाता था, वो हंसराज से था, मैं जाकिर हुसैन से था, खूब डिबेट से मिलते थे, अक्सर ट्रॉफी या तो हम जीते थे या वो जीतता था, कोई भी जीते रूम पे ही आती थी क्योंकि रूममेट थे, एक साथ ही रहते थे। वो मुझसे योग्यताओं के मामले में 21 था, बल्कि अगर वो 21 था तो मैं 15 ही रहा होगा या 12 रहा होगा, 22 से 21 तो नहीं रहा होगा, मुझसे बेहतर था योग्यता, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए हिंदी साहित्य में एडमिशन लिया, जबकि बी ऑनर्स हिस्ट्री में किया था, उसने तरह किया कि वो
कुछ और करेगा, प्रोफेशनल कोर्स करेगा, नौकरी करेगा। तो वो चला गया दिल्ली से, मैं दिल्ली में रहा। फिर मैं एमए के बाद तैयारी करने लगा यूपीएससी की, तब तक मैं यूजीसी जेआरएफ कर चुका था। पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस मेरा 96 के मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस शुरू होने वाला था, दो दिन रह गए थे। करीब 10 दिन पहले वो मेरे पास आया हुआ था दिल्ली में, मिलजुल के अच्छे से बात कर गया था। उन दिनों उसका एक प्रेम संबंध कहीं हमारे ही एक मित्र के साथ चल रहा था, हम सब दोस्त थे, तो उनमें से दो लोगों का आपस में अफेयर था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे मेन एग्जाम से दो दिन पहले रात को 12 बजे एक फोन आया और ये बताया गया कि मेरे दोस्त ने फंदा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वो दिल्ली से दूर थे और जिस व्यक्ति के बारे में मेरी राय ये थी कि उतना जीवट वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जो जिंदगी से हार सकता ही नहीं, जिसके होने से कई लोग हमेशा जीता हुआ महसूस करते हैं, वो चुपचाप एक बंद कमरे में जिंदगी से हार गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वह कैसे हुआ। बाद में टटोला, उसके पेरेंट्स से बात हुई, भाई से बात हुई, उन्होंने उसकी याद में एक सोशल वर्क शुरू किया ताकि किसी और बच्चे को ऐसा ना करना पड़े। तो जो हल्का का अनुमान हुआ वो है कि शायद कुछ ऐसा था रिलेशनशिप में जो नहीं संभल पा रहा था और रिश्ता टूट ना जाए इसका दबाव बहुत ज्यादा था और वो दबाव झेल नहीं पाया। इस उम्र में ऐसा फेज आता है, कई बार आता है। ये एक कहानी है, हम सब थोड़ी सही जुड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि वही से बात शुरू करूं। नाम जैसा कि मैंने कहा नहीं बताऊंगा, तो नाम बताने का मतलब नहीं, और वो जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूं आप लोगों के जन्म से पहले की बात है। आप तो सब 21वीं सदी वाले बच्चे होंगे ना, जेन जी होंगे आप सब लोग, तो बहुत पुरानी बात है। एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। दूसरी कहानी ये है कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया 97 में, मतलब 96 अटेम्प्ट में पहले बार मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं एक्सटेंशन लेके तैयारी कर रहा था, डीयू में मैं पढ़ा भी रहा था उस समय, तब मैं शायद डीएनए कॉलेज में था या एड्रेस सेंटर, मैं दो जगह पढ़ाई डीयू में, तो उनमें से किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय। तो उस समय एक लाइब्रेरी है कैंपस में ही, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, आप जानते होंगे सीआरएल बोलते हैं, जो विवेकानंद जी की स्टैचू उसके सामने ही वो लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में नीचे सब बैठ के पढ़ते हैं और टॉप फ्लोर पर रिसर्च फ्लोर है जहां एमफिल पीएचडी वाले बच्चे पढ़ते हैं। मैं उस समय शायद पीएचडी कर रहा था या एमफिल खत्म हुई थी, वहीं बैठता था, पढ़ता था रोज, कई दोस्त पढ़ते थे वहां। हम सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलते ही घुसते थे, रात को 1 बजे निकलते थे लाइब्रेरी बंद होने के समय। तो वहां एक छत थी, छत पे छोटी सी कैंटीन थी जहां हम लोग जब जब बोर होते थे जब मैं 3-4 बार जाके चाय पीते थे, चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, थोड़ी गप्पे मार ली, वो सब वहां करते थे। तो वहां मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से कई लोग बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, कुछ लोग प्रोफेसर हैं डीयू में। दो बच्चे थे मुझसे जूनियर, 3-4 साल जूनियर थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। मुझे उस समय तक पढ़ाई लिखाई का शौक अच्छा खासा हो गया था, तो वो रोज मेरे साथ बैठते थे केवल बात करने के लिए, किसी मुद्दे पर बहस करनी है तो बहस होती थी, समझते थे। फिर मुझे पता लगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, रिश्ते में हैं, दोनों ने शादी भी कर ली। उनकी योजना डीयू में पढ़ाने की थी या सिविल सर्विस की भी थी, शायद पता नहीं। मेरा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा उसके बाद रहा इन उनसे, क्योंकि मैं सर्विस में चला गया था। इतने जिज्ञासु बच्चे से दोनों, इतने जिज्ञासु कि उनसे मिलकर तबीयत खुश हो जाती थी, कि हर चीज जानने का मन करता था उनका, हर विषय पढ़ने का मन करता था। एकदम जीवन से भरे हुए बच्चे, आंखों में चमक ऐसे। फिर दोनों की शादी हुई तो मैं शादी में जा नहीं पाया, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ लाइब्रेरी में 1 घंटा गप मारने वाला था, उससे ज्यादा था नहीं रिश्ता उनके साथ। फिर सुनता रहता था कि मैं सब बढ़िया कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज की उन लोगों ने, खूब हंगामा हुआ, दोनों घर में तलवारें खींचे,
किसी तरह से तलवारें संभाली नहीं, मैनेज हुआ दो साल पहले लगे। और फिर 3-4 साल के बाद एक दिन मैंने खबर सुनी कि उस बच्ची ने फंदा लगा के जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बात भी दिल्ली विश्वविद्यालय की ही, उस दौर के सब लोग इस कहानी को जानते हैं। मेरे ख्याल से दोनों कहानियां आपके प्रिंसिपल मैडम जानती होंगी, नहीं ध्यान कर पा रही तो मैं उनको जैसे नाम बोलूंगा अकेले में तुरंत समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो बाद में अनुमान जो हुआ वो ये, इंटरकास्ट मैरिज, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, आपस के दबाव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अंत में उस दबाव को न झेल पाना और जीवन समाप्त कर देना, ये हुआ। ये दो घटनाएं हैं। आप लोग तो बस पैदा हुए होंगे, घुटनों में चल रहे होंगे, या उससे 5-7 साल पहले की बात रहेंगे। ये घटना दिल्ली के सब सीनियर लोग जानते हैं, जिनकी उम्र 35-40 साल है वो सब जानते हैं घटना को। मोबाइल फोन में वीडियो नया नया आया था उस समय, अब तो आपके हर फोन में वीडियो है, अब तो सामने भी है ताकि आप वैसा मेरा मुंह बना के सेल्फी खिंचवा सकते, पाउट बोलते हैं ना, मैं उसको देसी भाषा में सूर जैसा मुंह बोलता और वैसे ही बनता भी है। क्यों क्यों सा सूर जैसा मुंह बना के लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, सोचते पाउट। तब तो कैमरा फोन में पहली बार आया था, तब लोग अभ्यस्त नहीं थे। अब जैसे आप लोग कितने अभ्यस्त होंगे, हम भी होने लगे। अब हम किसी से बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने फोन में कुछ ना कुछ ऑन कर रखा होगा, या तो आवाज रिकॉर्ड करेगा या वीडियो बनाएगा। तुम कितने केयरफुल से बोलते हैं, कितने कॉन्शियस रहते हैं। और सर्विलांस सोसाइटी की सबसे बुरी बात यह है कि हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं, हम सहज हो ही नहीं पाते। सहज रूप से दोनों बात कर ले हो ही नहीं पाता। तो मैं तो अपने ऑफिस में कई बार ऐसा करता हूं, जब हम 3-4 लोग बैठते हैं किसी फॉर्मल बातचीत के लिए, हम सब अपना अपना फोन कमरे के बाहर छोड़ के आ जाते हैं, फिर 2 घंटे बात करते हैं इस भय से मुक्त होके कि कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। ये हालत है आज। उस जमाने में तो फोन थे, मोबाइल फोन आया था भारत में लगभग 1995 के आसपास पहली बार, बड़ा महंगा था, 16 रुपए प्रति मिनट इनकमिंग, 16 रुपए प्रति मिनट आउटगोइंग, ये रेट से उस समय। और फोन वो थे जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, वैसे वाले फोन थे, बटन वाले फोन थे, नोकिया एक कंपनी थी उसके फोन हुआ करते थे। उसके 4-5 साल के बाद क्या हुआ, पहली बार किसी कंपनी ने फोन में कैमरा लगा दिया। ये बात उस समय के लोग नहीं समझते थे, जब भी नई तकनीक आती है उसको समझने में टाइम लगता है, जो पहले समझते हैं फायदा उठा लेते हैं, जो थोड़ा लेट समझते हैं वो उसका नुकसान उठाते हैं। उस समय दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में 11वीं-12वीं क्लास के 2 बच्चों में आपस में कोई रिलेशनशिप रही होगी। वो दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो सिचुएशन बहुत ही प्राइवेट किस्म की थी, बहुत निजी किस्म की थी, जिसको पब्लिक नहीं कर सकते, कुछ कुछ फिजिकल रिलेशनशिप जैसा मामला था। उस दुष्ट लड़के ने लड़कों के इतिहास को कलंकित, लड़कों का इतिहास वैसे भी कलंकित ज्यादा है, उसे और कलंकित करते हुए उस पूरे सिचुएशन का वीडियो बना लिया। ऐसे मामलों में दुर्भाग्य है, मैं लड़का हूं इसलिए लड़के पवित्र थोड़ा ना बनेंगे, है इतिहास कलंकित तो है, उसे वीडियो बना लिया। और दुष्टता का चरम स्तर निभाते हुए वो वीडियो अपने दोस्त को शेयर कर दिया, ये कह के किसी और को दिखाना मत। जैसा कि होता है अफवाहों की दुनिया में, हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कह के किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को ये कह के बोलता है किसी और को मत बताना, और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। वो वीडियो फैल गया, नए नए फोन आए थे, पर वो फोन कम लोगों के पास थे, कैमरे वाले फोन, तो फोन से कितना फैलता, ज्यादा नहीं फैला। लेकिन उस समय दिल्ली की कुख्यात मार्केट हुआ करती थी पालिका बाजार, अभी भी है, पर तब वो कुछ और कामों में भी कुख्यात हुआ करती थी। अब तो कपड़े मिलते हैं, तब कपड़ों के साथ कई चीजें और मिलती थी, जैसे गंदी फिल्मों की सीडी चाहिए हो तो वहां मिलती थी ग्रे मार्केट में, चोरी छिपे। इस वीडियो को सीडी में कन्वर्ट करके
लोगों ने वहां से खरीदा लाखों करोड़ों की संख्या में। नए नए टेलीविजन चैनल प्राइवेट आए थे और प्राइवेट टीवी चैनल को खबरों की भूख नहीं होती है कि वो खबर के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है किसी की। 2400 घंटे इस खबर पे, इस चीज पर खबरें चल रही थी सारी चैनल कि ये वो लड़का है जिसने ऐसा किया, ये वो लड़की है, ये वो स्कूल है, इस स्कूल की प्रिंसिपल से बात करेंगे, इससे बात करेंगे। वो जो बच्ची थी जिसकी इसमें कोई गलती नहीं थी सिवाय इसके कि वो किसी एक लड़के से प्रेम करती थी, जो कि उस उम्र में बच्चे कर बैठते हैं, इसके लिए बहुत चिल्लपोनी मचानी चाहिए, बच्चों को हर बात पे अपराधी नहीं मान सकते। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने एक दोस्त पर भरोसा किया जो भरोसे के लायक था नहीं। वो नीच किस्म का व्यक्ति था जिसने उस संबंधी गरिमा को समझा नहीं। उस बच्ची के घर के बाहर 2400 घंटे न्यूज चैनल से कैमरे खड़े रहे। आप बताइए आपकी बेटी कैसी, आप बताइए आपकी बहन कैसी। अंत में उस पिता ने अपनी बच्ची को उस देश से बाहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद जो खबर टीवी चैनल से नहीं दिखाई, उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। ये तीसरा इंसिडेंट है। ये सारी खबरें सच्ची बता रहा हूं मैं, मुझे एक भी झूठ नहीं। झूठी कहानियों से मोटिवेशन दिया जा सकता है मैं जानता हूं, पर जब सच्ची कहानियां हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? सारी सच्ची कहानियां बता रहा हूं मैं। एक चौथी कहानी जो आप में से कई लोगों की होगी। मेरा एक स्टूडेंट है, सिविल सर्वेंट है, सीनियर लेवल पे है, करीब 40 साल का है। उसने आज तक शादी नहीं की। क्या उसे शादी करने की इच्छा नहीं थी? पूरी इच्छा थी, फिर क्यों शादी नहीं की? भाई कुछ लोग तो होते हैं शादी करनी है नहीं, कोई मिशन है। योगी जी है, मोदी जी है, ठीक है उनका तो मिशन है, ममता जी है उनका मिशन है, पर जिसका जीवन में ऐसा कोई मिशन नहीं है और जिसको प्रेम करने का मन भी करता हो वो तो शादी करता है आमतौर पर। उसने शादी क्यों नहीं की जानते? जब वो 25-26 की उम्र में था, जब मेरा विद्यार्थी भी था, एक दिन मेरे पास आए, बोले कि सर एक बात करना चाहता हूँ। मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ऐसी बातें खूब करते हैं पर्सनली आके, अब तो मैं टाइम कम दे पाता हूँ, पहले तो ये सब होता रहता था क्लास के अलावा। एकदम रोता हुआ आया, आंखों में आंसू भरे हुए बहुत सारे। अरे क्या हो गया भाई? तो फिर उसने किसी का नाम बताया कि सर वो है मेरी स्टूडेंट थी, कि सर उससे सर रिलेशनशिप थी, उसने धोखा दिया है मुझे। अच्छा, धोखा देने वाली कहानी मुझे वो कभी नहीं मिलती। मेरा मानना है कि दोनों पक्षों की गलतियां होती हैं। आप केवल अपने पर्सपेक्टिव से सोच सोच के धोखा धोखा करते रहते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह होती है। उसका भी तो उसकी कहानी भी तो सुनी, और मैं जब जब दोनों कहानियां सुनता हूं मुझे लगता है कि मामला मिले आप किसी एक उंगली उठा नहीं सकते जिसने ऐसा किया। दोनों की गलतियां होती है, ऐसा कुछ नहीं एक ही होती है। बहरहाल इन भाई साहब को ऐसा लगा कि धोखा हो गया उनके साथ। तो मैंने चल कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, तू नहीं कोई और सही, ऐसा क्या है, बहुत बड़ी दुनिया है, 8 अरब की आबादी है, उस समय भी 6-7 अरब थी, मतलब 3.5 अरब 350 करोड़ में कोई तो होगी तुम्हारे लिए, ऐसा क्या है। पर वो थोड़ा ज्यादा सेंटिमेंटल सोचती है। धीरे धीरे पता नहीं उसके मन में क्या बैठ गया, उसके मन में ये बैठा है कि दुनिया की सारी लड़कियां धोखे वाली थी, ऐसे मूर्खों की कमी नहीं दुनिया में, ऐसे बहुत मूर्ख है। दर्शन की दुनिया में इसे अवैध सामान्यीकरण कहते हैं, इलिसिट जनरलाइजेशन। इसका मतलब बहुत छोटे सैंपल के बेस पे ये समझ लेना कि ये थियरी पूरे ब्रह्मांड में लागू होती है। एक लड़की ने धोखा दिया, मान लीजिए धोखा दिया, धोखा इसने दिया कि उसने दिया कि किसी ने दिया, जो भी कहानी हो, एक सैंपल से ये मान लेना कि सब ऐसे होते हैं। और उसके बाद से उसने कम से कम 10 बार कोशिश की, 10 लोगों से मिला, बातचीत की शादी के लिए, डेटिंग तो क्या करेगा 40 की उम्र में, लेकिन हाँ बातचीत करके देखा कि शायद रुचियां मिल जाए, स्वभाव मिल जाए, तो शादी के बारे में सोचे। हर बार 3-4-5 मीटिंग के बाद वापस हट जाता है, अब तो मैंने पूछना बंद कर दिया है,
जब तक मैं पूछता था बोलता था कि सर 3-4 मीटिंग के बाद लगता है कि ये भी वैसी ही है। तो मैं कहा भूल जाओ भाई, उसे भूल जाओ, बात खत्म हो गई, उसके बच्चे घूम रहे हैं इसको स्कूल में, शादी का। वो भाई साहब आज तक अकेले हैं और अब तो बाजार में मूल्य भी कम हो गया उनका, अब विकल्प भी ज्यादा नहीं मिलते हैं, अब जो विकल्प मिल रहे हैं वहां उसकी रुचि और कम हो गई है। तो कोई संभावना है कि वो जीवन अकेले ही गुजरेगा उसका। एक अंतिम एग्जाम्पल देकर फिर मैं निष्कर्ष की तरफ बढ़ूंगा। मैं एक IAS प्रोफेसर को जानता हूं, 2 IPS को जानता हूं, बहुत योग्य लोग, देश के सबसे अच्छे संस्थाओं से पढ़े हुए लोग, प्रॉपर IAS प्रॉपर IPS में नौकरी करने वाले लोग, और इन तीनों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, नौकरी में रहते हुए। क्यों? क्योंकि नौकरी और घरेलू जो दुविधाएं थी उनको झेल नहीं पा रहे थे, ना झेल पा रहे थे ना भूल पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पाए तो गिव अप कर दिया। और इसलिए मुझे अक्सर लगता है कि जितनी चीजें हम सिखाते हैं बच्चों को, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, वो सब ठीक है, उनका भी महत्व है, शायद उससे ज्यादा महत्व इस चीज का है कि ये समझे कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकले, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है ना, मैंने इसी किताबें पढ़ी, हालांकि मैं 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पर नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन जिंदगी से तुम सीख सकते हैं। इन कहानियों का सबका एक ही सार है, वजह अलग अलग है। एक व्यक्ति ने इसलिए अपना जीवन समाप्त किया कि वो रिश्ता उसके हाथ से छूट रहा था, एक ने इसलिए जीवन समाप्त किया कि ये रिश्ता बन गया था पर समाज के दबाव, घर के दबाव, मैनेज नहीं कर पाए, जैसे कि वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाया। अरे एक बार गलती हो गई तो हो गई, आगे तो संभालना जीवन में है, क्यों इतना हावी रखना उसे दिमाग के ऊपर। कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर हर पैमाने पर सफलता की हर कसौटी पर खरा उतरने के बाद जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों की नजर में आप बहुत सफल हो जाए, अपनी नजर में शून्य हो, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे। इन सारी कहानियों का मूल भाव एक ही है, अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जाने दो। वो अफसाना जिसे अनजान तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। सही प्रेम की दुनिया के बारे में साहिर से अच्छा कौन लिखेगा? तारुफ समझते, तारुफ में परिचय, इंट्रोडक्शन। फिर तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूल ना बेहतर। अरे परिचय हुआ किसी से, आपकी भाषा में इंट्रो हुआ, यही बोलते हो ना, इंट्रो हो गया, इंट्रो हुआ, दोस्ती हुई, बाद में लगा रहे यार तो उलपटक कर दी या उलपटक कर दी, छोड़ो फिर ऐसा क्या लूट लेना। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अनजान तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बस करना यह है कि खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना है, हाथ में तेजाब की बोतल लेके नहीं। और आज की पीढ़ी का यह समझना बहुत जरूरी है कि छोड़ना भी अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मैं उस बात पर ना उससे पहले थोड़ा संक्षेप में समझा दूं, मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा इस बीच में कि जितना आसानी से आप बोल रहे हैं क्या सच में इतना आसान होता है?
कैसे छोड़े उन चीजों को जो मन पर हावी है, उन इमोशंस के टर्मोइल को, उन इमोशंस की इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करें, क्या सच में इतना आसान होता है? आसान तो नहीं होता है, मेरी उम्र में आसान है, आपकी उम्र में आसान नहीं होता है। मेरी उम्र में क्यों आसान है? क्योंकि ये सारा खेल हार्मोन्स का है, ये सारा खेल केमिस्ट्री का है। हम सब दरअसल बहुत सारे केमिकल्स, जिनमें से कुछ का नाम हार्मोन्स है, उन केमिकल्स और हार्मोन्स के बहुत सारे इंटरेक्शंस के रिजल्ट हैं। इसलिए जब कोई बच्चा छोटी, जैसे छोटे बच्चे हमेशा उछलते रहते हैं, पेरेंट्स थके रहते हैं, ये इनकी केमिस्ट्री का परिणाम है, शौक का मामला नहीं। आपकी उम्र जो होती है किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआती उम्र, मैं मान के चलूं कि आप सब लोग 17 से 22 23 के बीच के लोग हैं, बच्चे हैं, कुछ तो भी शादी भी नहीं कर सकते होंगे, वो वाले होंगे ना, लड़के तो नहीं कर सकते होंगे भी, किसके कहां उम्र होंगे, तो वो वाली उम्र आप लोगों की है। इस उम्र में इमोशंस का टर्मोइल, इस उम्र में इमोशंस का बिखराव इतना ज्यादा होता है कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बूढ़े और मैच्योर काफी हद तक समानार्थक शब्द होते हैं। बूढ़ा आदमी आमतौर पर मैच्योर हो जाता है, और जो मैच्योर हो जाता है उसको बूढ़ा ही बोलते हैं, चाहे वो दोस्त हो आपका। तो मैच्योर होने के बाद, मैच्योरिटी के कई लक्षण हैं, 10-20 लक्षण हैं, उनमें से एक ये है कि आपके इमोशंस में इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाती जितनी बचपन में होती है। मसलन कोई आपका दोस्त आपसे कुछ खराब कह दे, आप 3-4 घंटे बेचैन रहेंगे, बार बार मैसेज टाइप करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट, ना वो पढ़ पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है। अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन झुकेगा, और जो एक बार झुक गया वो जिंदगी भर झुकता है उसके बाद। इसी लोग शुरू में बहुत केयरफुल होते हैं कि झुका नहीं, 3-4 ज्ञानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं झुकना नहीं, वो झुकेगा, वो झुकेगी, तू भी झुकेगा। इन ज्ञानियों से बचना बहुत जरूरी है, जिंदगी जहर बना देंगे आपकी। अब दोनों ईगो फाइट कर रहे हैं कि पंजा किसका गिरेगा, इस पर फाइट चल रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद एक आदमी पिघल जाता, उसको लगता है भाग जाए यार, बात ही नहीं हो पा रही, तुम ईगो कर रहे हो। फिर वो फोन मिलाता है, ये भी फोन की इंतजार में 3 दिन से सो भी नहीं रहा बेचारा, हीरो बेशक बन गए पर बेचैन तो आई, खटाक से फोन उठता है। अब दोनों कान में फोन लगा रखे, कोई नहीं बोल रहा, चुप, क्या बातचीत चल रही है सोचिए, एक भी शब्द नहीं, एकदम चुप। थोड़ी देर के बाद कंफर्म करने के लिए कि है नहीं, नहीं, एक बोलता है हेलो, वहां से आवाज आती है हूं। मैं थोड़ा ऐसे ही जोकर टाइप की बात करता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर ना समझिए, पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी लेता हूँ वो भी आता है अभी, क्योंकि आप बच्चे छोटे हैं तो मैं बेहद ऐसी बात ही करता हूँ। अब ये सब चल रहा है, अब इसमें वरना कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इसी बिंदु पे खत्म हो जाते हैं कि तेरा भाई नहीं झुकेगा, भाभी झुकेगी, और उधर जीजू झुकेंगे, दीदी जीजू झुकेंगे, दीदी झुकेंगे, और जीजू झुक रहे भाभी झुक रहे। उस चक्कर में जो अभी बेचारा रिश्ता बना भी नहीं था, वही वो जमींदोज हो गया, वही वो खत्म हो गया। तो ठीक है, हो गया तो हो गया, भारत में ऐसा क्या है, डर किस बात का है इसमें। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा, मेरी उम्र में क्या होता है, जैसे मुझे कोई फोन करे कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं, तो मैं कहता हूं अच्छा ठीक है कर बात करें, नहीं मैं आपसे बहुत नाराज हूं, मेरा दिल टूट गया है। मैं कहता हूं देखो मुझे नींद आ रही है अभी, लेट मी स्लीप, वी विल टॉक टुमारो, यू जस्ट डू वन थिंग, राइट डाउन ऑल द and we will discuss in the morning. When I come to office, you come to my cabin and we will discuss. Don't worry, I'll find out the solution for this. तेरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं न सो पा रहा हूँ न जाग पा रहा हूँ। तो मैंने कहा that is your problem. मैं तो सो भी रहा हूँ, ये तो वही करती है। तो मैं तो ऐसा हो चुका हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे टाइम पे नींद आ जाती है।
कुछ नहीं हो जाए, मतलब एक अब जैसे मेरी माता जी की मृत्यु हुई तो मुझे ठीक बात है, नहीं आनी चाहिए उस समय, तब भी आ गए तो फिर इंसान और पत्थर भी कर बस है, सीधी सी बात है। बट कीपिंग असाइड दोस रेयर इंस्टेंसेस, कोई कुछ नहीं कर ले हमें तो बड़े नींद आती है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने ये सीखा अपने पिताजी से और सीख सकते हैं इसको, ये केवल तबके की बात नहीं है, सीख सकते हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं पिताजी और माँ, वो एक अनूठा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, किसी शादीशुदा जोड़े से अकेले में बात करके देखिए, जब वो कंफर्टेबल हो आपके साथ, आप उनको बोलिए कि मुझमें और मेरी पत्नी में या मुझमें और मेरे पति में ज्यादा चीजें मैच नहीं होती हैं। सीरियस होकर बोलना, मजाक के मूड में नहीं, सीरियस मुंह बना के बोलिए, थोड़ा भरोसे में लेके। दुनिया का हर जोड़ा आपसे बोलेगा आप में तो फिर भी कुछ मैच होता है, हम में तो कुछ मैच नहीं होता, एक ही मैच, सारे जोड़े ऐसे ही चल रहे हैं, सबको लगता है कि उसका घर बढ़िया चल रहा है, मेरा ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उसका घर आपने फेसबुक पे देखा है, अच्छी अच्छी फोटो देखी है, 24 घंटे में से जो 2 अच्छे मिनट आए थे उसमें ली गई 25 फोटो में से बेस्ट फोटो फेसबुक पे आई थी, और अपने घर में आप बाकी 24 घंटे में से 2 मिनट छोड़ के बाकी देख रहे हैं, तो दूसरे के घर में अच्छा लगता है कि लाइफ हो तो उनके जैसी हो। तो हमारे माता पिता भी स्वभाव उनका भी थोड़ा अलग रहा, सबका है, हमारा भी है। तो मेरे पिता जी हैं मस्त मौला, जैसे कबीर दास एकदम फक्कड़ मस्त मौला, भाड़ में जाए तो नहीं उस मूड में रहते हैं, नुकसान हो जाए भाड़ में जाए, गीता का सार उन्होंने अपने मन में बिठा लिया है। उनका बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हमारा क्या था जो लाए थे, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही दिया, साथ लेके क्या जाना है, बात खत्म, कोई टेंशन ही नहीं उनको। और बाकी सब टेंशन में कि अब क्या करें, ये हो गया वो हो गया, कैसे मैनेज करें। मेरी माँ को तनाव हो जाता था, तो जब पिताजी ऐसे हो तो माँ को तनाव हो गए, सीधी सी बात है, अगर माँ वैसी होती तो तनाव में रहते, सामान्य बात, जब घर में एक व्यक्ति मस्त मौला हो तो बाकी लोग तनाव तो फिर बांटे ही ना, तो बड़ा तनाव में रहते थे। उनको घर की चिंता, बच्चों की चिंता बहुत सताती थी, पिताजी भी चिंतित थे बच्चों को लेकर, जैसे पिता होता है, पर उनकी नेचर थी कि ठीक है देख लेंगे जो होगा, अरे अरे भाग के जाओ, उस मूड में रहते हैं, आज भी रहते हैं। मेरी माँ 73 की उम्र से कुछ महीने पहले चल बसी, उनका जीवन समाप्त हुआ। मतलब मुझे नहीं पता कि जीवन क्यों समाप्त होता है, क्योंकि बड़े मुझे कहते हैं कि हर व्यक्ति की सांस का इतिहास है, सांसें लिखी हुई है ईश्वर ने, उतनी सांसें मिलेगी, मुझे बहुत भरोसा इस बात में है, क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करेगा कि जापान में सांसें ज्यादा लिखेगा और अफ्रीका में कम लिखेगा, भगवान ऐसा क्यों करेगा। और अगर सांसें पहले से लिखी हुई हैं तो हमारी जीवन प्रत्याशा क्यों बढ़ती जा रही है, अगर सांसें पहले से फिक्स हैं तो आजादी के समय से लेकर आज के 70 साल में जीवन प्रत्याशा लगभग 2.5-3 गुना बढ़ गई। और हम ये भी कहते हैं कि लोग खराब हैं, अगर लोग बुरे हैं तो जीवन छोटा होना चाहिए कर्मों के हिसाब से, लोग खराब हैं और जीवन बड़ा होता जा रहा है। तो मुझे उन मान्यताओं में बहुत भरोसा है नहीं कि सांसें लिखी हुई हैं, अगर सांसें लिखी होती तो मनुष्य की औसत आयु 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, 25-30 मैक्सिमम, और हम 70-80 साल धूमधाम से जी रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये भगवान से ज्यादा इंसान ने लिखा है, मेडिकल साइंस ने लिखा है, वैज्ञानिकों ने लिखा है, और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, और मैं इसको छिपाता भी नहीं हूँ, मैं बहुत छिप छिप के बहुत जी लिया, मैंने ठान लिया कि मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा, ना मुझे किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी विचारधारा से मतलब है, मैं विचार वाला आदमी हूँ, धारा वाला नहीं हूँ, जिसको धारा में बहना है बहे, हम तो अकेले चलेंगे, विचार के साथ चलेंगे, जो ठीक लगता है वो बोलेंगे और वैसे ही रहेंगे। हाँ, गलत बोलने से बचता हूँ, किसी के बारे में गलत बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सही लगता है वो तो बोलूँ बोले। मेरे पिताजी 81 साल के हैं, अभी 81 साल की उम्र में थी पहले, और एकदम मस्त बोला, मुझसे ज्यादा युवा है, मैं 50 साल का बूढ़ा हूँ, वो 81 साल के युवा है। उनके चेहरे की चमक, मतलब कई ट्यूबलाइट फेल उनके सामने, ऐसी चमक चेहरे पर रहती है, क्यों रहती है, उसकी एक वजह यह कि वो रोज सुबह 2-3 घंटे प्राणायाम, योग, ध्यान,
बहुत कुछ करते हैं। उनका भोजन इतना संतुलित है, सप्ताह में कम से कम एक बार, कभी कभी महीने में चार से ज्यादा, छह सात बार उपवास करते हैं पूरा पूरा। वो सब चीजें उनके अभ्यास में है, जो मेरे अभ्यास में उतने नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूं पर अभी उतना सफल नहीं हो पाया। पर मेरी राय में उनके इस सुंदर जीवन का सबसे बड़ा राज ये क्षमता है कि वो हर चीज को लेट गो कर देते हैं। तनाव उनके पास आता है तो फिसल के निकल जाता है, लेते ही तनाव किसी ना मेरे सामने कैमरा है, कुछ भी हो जाता है। मुझे बगल में पीयूष सिंह है, उसको बोल दो। और मुझे लगता है कि काश मैं ये चीज मेरी माँ के स्वभाव में होती, कम से कम 10 साल उनका जीवन और ज्यादा होता। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत विश्वास से बता रहा हूँ, मैं न सोने जाने में नियमित व्यक्ति हूँ, न मैं बहुत कसरत करता हूँ, ठीक हूँ, मतलब बुरा भी नहीं, ठीक हूँ। मेरी उम्र के अधिकांश लोग बीपी शुगर बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं, मैं फिलहाल नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मेरे पास इसका उत्तर एक ही है, मैं लोन लेता नहीं हूं, दबाव लेता है, तनाव लेता है। भाई अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है, जब मैं सफल, जैसे मैं 3 साल में पिछले काफी सफल हो गए, जितना मुझे नहीं होना चाहिए था, मैं तो कैसे हो गया सफल। अगर मैं सफल हो गया तो मैं इस बात पर लोड भी नहीं लेता कि मैं सफल क्यों हो गया। हो गया तो कैसे हो गया, कई लोग हो जाते हैं, हम भी हो गए, ऐसा नहीं है। कल को नहीं रहूंगा मान लीजिए, ऐसा हो सकता है, फिर को फेल हो जाओ कहीं। फेलियर को पहचानना पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा लोगों के लिए, मैं अपने बारे में जानता हूं, मुझे मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने सफलता का लोड लिया ही नहीं अपने ऊपर, विफलता मुझे क्या प्रभावित करेगी, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और मैं दावे से कह रहा हूं कि यदि ये टेम्परमेंट आपका हो, जो मेरे पिताजी से मैंने सीखा है, तो आप जिंदगी में सफल कितने होंगे वो एक अलग पैरामीटर है, पर आपकी जिंदगी शानदार होगी। और जितनी जिंदगी आपकी है, जितनी सांसें आप कहते हैं लिखी हुई है, गारंटी से कह रहा हूं कि 10 साल बढ़ जाएंगे। कुछ और लोग क्या कम कर लेने अलग बात है, अपने 10 साल बढ़ जाएंगे। इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे लेट गो करना है जिंदगी की चीजों को। 3-4 प्रसंग होते हैं। एक होता है कि आप किसी को बहुत चाहते हैं पर वो आपको नहीं चाहता, आपकी उम्र में ये सब खेल होता है, क्या खेल होता है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं 17 साल के, मैं उनको देख के समझता रहता हूँ, वो मुझसे छुप छुप के किसी से बात करते हैं और मैं छुप छुप के सुन लेता हूँ। तो उन्हें नहीं पता, मुझे तो नाम भी पता है किससे बात करते हैं, एक हफ्ते तो एड्रेस भी पता है, पर मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कभी जाना वाना हो तो मैं नहीं चलूंगा, चिंता मत करना, बोलने के ड्राइवर साथ में आए। तो मेरे तो बच्चे मेरे दोस्त है, मैं तो अपना दोस्त ही भाव में रहता हूँ। मेरा एक ही बेंचमार्क है कि वो जिस उम्र में जैसे हैं मैं कैसा था, और वो मुझसे अच्छे चल रहे हैं, उससे ज्यादा उम्मीद मुझे करने में नहीं चाहिए। मैंने जो कुकृत्य 8वीं क्लास में किए थे उन्होंने 11वीं क्लास में किए तो बहुत है। मैं क्यों मान के चलूं कि वो देवी देवता पैदा होंगे, मेरे ही तो बच्चे भाई। जीन तो मेरे ही, तो कैसे देवी देवता हो जाएंगे। तो ज्यादा उम्मीदें क्यों पाई नहीं बच्चों से, मैं क्यों चाहूंगी मेरा बच्चा IAS जॉब करे, क्यों करे, वो IAS भी क्यों करे, उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो भड़क। अगर वो कहेगा कि मुझे स्टार्टअप करना, स्टार्टअप करना, अगर वो कहेगा मुझे कुछ और नौकरी करनी है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो कर लो। मैं क्यों ठेकेदार बनूं उसका भाई, मैं क्यों ये चाहूं कि वो मेरे रास्ते पर चले, मुझसे बेहतर बने, ये सब बेकार की बातें हैं। और पेरेंट्स, आज तो बच्चों से बात करो, जैसे मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, उनकी बहुत क्लास लगाता हूँ कि पेरेंट होना और बच्चे का दुश्मन होना कई बार बराबर हो जाता है। और यदि आप नहीं चाहते कि आप बच्चों का दुश्मन बने, बहुत सारे लोग मन ही मन में पेरेंट्स से नफरत करते हैं, माँ बाप से नफरत करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने पेरेंट होकर धर्म ठीक से निभाया नहीं, उन्होंने इतनी इच्छाएं थोपी, इतने दबाव बनाए कि बच्चों को जिंदगी कई फैसले किस दबाव में करने पड़े कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, वो बन ही नहीं पाए जो वो थे। और दुनिया में सबसे बुरी स्थिति है वो न हो पाना जो आप हैं, अपनी सहजता से दूर होना, इससे बड़ी बुरी कोई स्थिति नहीं। साहित्य में इसको खूब लिखा गया है, कामायनी एक रचना बड़ी पसंद है जयशंकर प्रसाद की, उसमें मूल समस्या ही ये है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। आपका दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, कर कुछ हो रहे हैं आप,
जिस व्यक्ति का दिमाग, दिल और हरकतें आपस में कनेक्टेड है, कंसिस्टेंट है, उससे ज्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप खुश हैं या नहीं, इसका सबसे बड़ा पैरामीटर यह है आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी हरकतें, आपके एक्ट्स अगर कंसिस्टेंट हैं, कोहरेंट हैं, कनेक्टेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। और यदि आप पूरी जिंदगी केवल निभाने में खर्च कर देते हैं तो ठीक है, दुनिया की निगाह में सफल होंगे, पर किस दिन खबर आ सकती है कि अच्छे आदमी थे, नहीं झेल पाए। दिल का दौरा पड़ जाता है, बीपी हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। बच्चे बोलते हैं कि डायबिटीज चीनी खाने से होता है, बेकार बात है, डायबिटीज स्ट्रेस से होता है। डायबिटीज होने के बाद चीनी खाना मना है, चीनी खाने से आज से किसी को डायबिटीज नहीं हुआ, डायबिटीज केवल तनाव से होता है। तनाव पहले दुनिया में इतने सारे हैं, नौकरी के तनाव, कितने झंझट दुनिया में है, उसके ऊपर से अपने स्वभाव से दूर होने का तनाव कितना बड़ा तनाव है, क्यों पाए। तो मैं कुछ सूत्रों में आपको बात बताता हूं, इस उम्र में आप कितना उसको फॉलो कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करेंगे तो उसको फायदा ज्यादा हो गया। ऐसे वैसे देखते थे, नहीं देखिए घड़ी आपकी क्या दिक्कत है। तो पहला सूत्र मेरा आप लोगों के लिए ये है कि जब आप किसी को पसंद करें और वो आपको पसंद ना करें तो टेंशन नहीं रहेगी, तेजाब तो नहीं उठाना है। ठीक, कई लोग इस मूड में रहते मुझे पसंद नहीं करेगी, मुझे, मैं राजा हूं, मैं नवाब हूं, मुझे पसंद नहीं करेगी। अरे तू क्या है भाई, नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद हो, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर से लोकतांत्रिक बनी, डेमोक्रेटिक बनी। जैसे आपको हक है किसी व्यक्ति को पसंद करने का, उसको भी हक है किसी को पसंद या नापसंद करने का। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको प्रपोज करे तो आप उसको मना ही तो करेंगे, बस मना इज्जत से कीजिए, किसी को बेआदर करके मत भेजिए। ये नहीं कि अच्छा तुम शीशा देखा को आईना मेरी जेब में, ऐसे नहीं करना है। बड़े बेआदर होकर तेरे पूछे से हमने वो बोला भाव जो वाले को ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपको कभी प्रपोज करे, आप लोगों की उम्र है, सब चलता ही होगा आप लोगों के बीच में, मैं आपके टीचर के सामने बोल रहा हूँ लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर भी सोचता होगा, सब जानते हैं तो होता ही हुआ। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे, यदि कोई रिजेक्ट करे बस, हाँ रिजेक्शन थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं। ठीक है भाई, आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और, कोई और नहीं, कोई और से बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे राज हंसी इस जमाने में शरण तो अकेली तो। मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे मना कर दिया, अंकल छोटे छोटे बच्चे आजकल मुझे नंबर मान लेते हैं और मेरे पास आके ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बड़ी क्यूट टोटली आवाज में। मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे भी रखते हो तो मैं बोलता हूँ बधाई हो, बहुत कंग्रेचुलेशन। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे 50 मामले देखे और 50 में से कम 49 मामले में जब कहीं दिल नहीं लगा बाद में उससे बेहतर व्यक्ति मिला। अगर कभी ऐसा हो ना, मनी मन में बधाई देना अपने आप को कि बच गया, हाँ बोल देता तो फंस जाती, हाँ बोल देते तो मर जाता। पर मन में भाव वही रखना है, तू नहीं कोई और, सही बात है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं जानता हूं कि आपकी उम्र में आसान नहीं होता, आपको रात रात भर सपने आएंगे, बेचैनी होगी, करवटे बदलते रहे सारी रात, हम आपकी कसम, आपकी कसम, ये सब ड्रामा होता है। ये फिर भी गीत है, मुझे गीत करता है इतना याद है कि मुझे हर बात में वही दिमाग में आता है। ये होता है आपकी उम्र में, और वो भी एक फेज है। अगर ये फेज नहीं जिया तो भी क्या जीवन जिया, कभी कभी बेचैनी भी तो होनी चाहिए, वरना जिंदगी में मजा क्या है। अगर हर चीज लिनियर है, हर चीज फॉर्मुलाइज है, सिर्फ मजा क्या है जिंदगी में, ये उठा पटक, ये बेचैनी, ये घबराहट, ये तनाव संतरास भी तो होना चाहिए कभी कभी जिंदगी में। इससे बुरी स्थिति तब होती है जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहां ब्रेकअप हो गए। देखिए मैं आपको
बड़ी खरी खोटी सुनाने की बोल रहा हूँ, जिस तरह का प्रेम आप लोगों की पीढ़ी में होता है, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी पीढ़ी खराब है, हर पीढ़ी ऐसी होती है, बस ये कि आपकी पीढ़ी को सुविधाएं ज्यादा मिल गई, बड़ा रिस्क होता था, चिट्ठी लिखो कागज पे, फिर डाकिया ढूंढो भरोसे का, तो भरोसे वाला कुरियर बॉय या कुरियर गर्ल जाके चिट्ठी वहीं देके आए जहाँ हमने कहा है, ये भी डाउट नहीं किसी को देके आए, या कबूतर से बात करो, कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी साथ ही तू ले आ, कबूतर का क्या भरोसा किसको देके आ जाए, कितना तनाव था उस जमाने में, आपके जमाने में क्या है, सीधे व्हाट्सएप निकाला खपाक से ले लिया बस, और नंबर किसी से मांग लिया एक सेकंड में, नंबर भी नहीं देना है तो किसी, कौन कौन सी ऐप होती है, मैंने सुना कुछ और ऐप्स होती है, इंस्टाग्राम कौन भी तो कोई होती है वो जिसमें कार्टून जैसा मुंह बन जाता है, स्नैपचैट स्नैपचैट पर चले गए, मैंने सुना है कि उसको नंबर भी नहीं देना पड़ता, ऐसा कुछ चक्कर है, वहां ढूंढ लिया, किसी को कुछ करने करना इतना आसान दुनिया में कभी नहीं हुआ था जितना आज आसान है, इन सबके ऊपर टिंडर है, बंबल है, पता नहीं क्या क्या है, राइट लेफ्ट होता जाता है, कहानी शुरू, और ये कहानियां जितने हल्के तरीके से शुरू होती हैं, मैं दावे से कह रहा हूं कि 100 में से 99 अट्रैक्शंस 1 से 2 महीने में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप जिसके प्रति अट्रैक्टेड थे ना वो तो उसका बाहर का परसोना था, जहां परिचय गहरा होता है असलियत सामने आ जाती है, और जब असलियत सामने आती है झेलना बड़ा मुश्किल होता है, आपके सपने टूट जाते हैं, आप जिस छवि पे दीवाने हुए थे वो छवि तो सिर्फ छवि थी, वो तो इंसान नहीं था वैसा, 99% केसेस में मेरा ख्याल है कि अट्रैक्शन 1-2 महीने में समाप्त होता है, उसके बाद तो एक बोझ है जो आप ढो रहे हैं, कभी कभी होता है कि दोनों का खत्म हुआ तो बात आसान है, कभी कभी किसी एक का खत्म होता है, एक का नहीं होता है, वहां मामला मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है आपके जीवन में कि दूसरा साथी आपका ये कहे कि भैया देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ महीने से हूं पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह मान के मत चलना कि उसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि बच्चे तुरंत उस मुद्रा में आते, अच्छा अब मैं कुल्हाड़ी उठा लूंगी, अब मैं तेरा उठा लूंगा, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे चीट किया है, यू आर ए चीट, यू आर ए लायर, यू आर ए पता नहीं क्या क्या, इंग्लिश में गाली बड़ी सुंदर देते हैं बच्चे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बात की संभावना मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके साथ 2 महीने रहने के बाद सच में उसको ये लग जाए कि आपके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, या आपको लग जाए कि आपकी ट्यूनिंग उस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं है, और किसी मुर्दा को अपने पास पकड़ के रखना उसका मजा नहीं है, आप किसी को बांध तो लेंगे पर जब उसका दिल आपके पास है ही नहीं, दिल विहीन लाश अपने पास टिका के रखना, एक मुर्दे को बांध के रखना, इससे बेहतर है जाना नहीं, बांधना नहीं, बांधते वो है जिनमें असुरक्षा बहुत ज्यादा होती है, उस असुरक्षा से बचने का उपाय खुद को बेहतर बनाना है, आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग, क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही दुनिया में, ऐसा क्यों सोचना है, और ऐसे ही मामले में ये करना है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, और एक खूबसूरत मोड़ कैसे होगा, अगर कोई जाना चाह रहा है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, एक न उसको अच्छे से बात करे न खराब से बात करे, न्यूट्रल होके जाने दे, एक उसको धमकी दे बर्बाद कर दूंगा छोड़ दूंगा नहीं, तो निकल के दे घर से, तेरे एड्रेस पता करवा दूंगा, मेरे साथ 50 दोस्त हैं, मेरे सारे आवारा हैं, सारे बेरोजगार हैं, सारे उनके लोग हैं, सारे गुंडे मवाली हैं, उनका धंधा यही है, तेरे को छोड़ दूंगा सबको, एक ही तरीका है, और तीसरा ये कि ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, जा से बन जा, जी जाती जरूर, अरे ठीक है हो सकता है मैं तुझे ठीक नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से मिलो तो बढ़िया से मिलना, तेरी जिंदगी अच्छी हो, मैं भी ढूंढ लूंगा किसी ना किसी को, थोड़ी हेल्प कर दी होगी, इंट्रो करवा दी मेरी भी, लेकिन ठीक है कोई जा, ये होता है खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा,
चिपकू नहीं बनना है किसी के पीछे, न बोरा जाना है कि तुम जाओ मैं तो दीवाना स्थाई दीवाना हूं तुम्हारा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुदा है खुदा ही रहेगा तुम्हारे लिए। पहले के जमाने में बेरोजगारी का ये लक्षण था, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये क्लिनिक खुला है खुला ही रहेगा। जब कोई तुमको सड़क पे छोड़ दे, गाड़ी अपनी वहां से मोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये ठेला खड़ा है खड़ा ही रहेगा। क्यों भाई, क्यों खड़े रहोगे, बेरोजगार हो क्या? अरे ठीक जा सिमरन जा जी ले, और मैं भी जा रहा हूं जीने के लिए। ये दीवाना नहीं बनना है कि तुम मतलब मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अजीब भाव है, तुम ठेकेदार हो कि तेरा ठेका मेरे पास है, नहीं तो किसी के पास नहीं। अजीब भाव है, अरे ठीक है भी उसकी जिंदगी जीने दो उसको, क्यों किसी की जिंदगी में इतना हावी होने का प्रयास करना है? जब आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई हावी हो, आप क्यों किसी की जिंदगी में इतने हावी होंगे? और जब बहुत दर्द होना, हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखिए कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या पता कोई मजबूरी हो, कभी कभी होती है। मैं बुद्ध की मजबूरी सोच के परेशान होता हूं कई बार, और फिर मैं सोचता हूं कि काश यशोधरा जैसा व्यक्तित्व सबका होता। बुद्ध की रियल कहानी क्या है शायद किसी को नहीं पता। मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूं, मैथिली शरण गुप्त नाम के एक बड़े प्रसिद्ध कवि ने यशोधरा नाम की पुस्तक में वो कहानी लिखी है, भूमिका में जिक्र किया। बुद्ध बचपन से ही थोड़े से वैरागी किस्म के व्यक्ति थे, उनकी कुंडली देखे ज्योतिषी ने बताया भी था। माता पिता बहुत परेशान थे, शुद्धोधन उनके पिता का नाम था। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का मन विरक्त ना हो, अच्छा महल बनवाया, सारी सुविधाएं दी। जैसे बुद्ध थोड़े से किशोरावस्था में आए, उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से, लड़की से, यशोधरा से उसी शादी करवा दी। यशोधरा के पिता ने काफी एग्जाम लिए बुद्ध जी के, सारे एग्जाम पास हुए तब जाके शादी हुई, ऐसे नहीं हुई, शादी हुई। तो बुद्ध भी ठीक था, रमे रहे उस जीवन में। बेटा हुआ उनका राहुल। मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि राजाओं के बच्चों का नाम राहुल ही होता है। तो अब बुद्ध की विरक्ति का भाव बढ़ता जा रहा था। 29 साल की उम्र के आसपास ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया, एक बूढ़े को देखा, एक भिखारी को देखा, एक बीमार को देखा, विरक्त हो गए और उनका मनोबल घर छोड़ दूं, ज्ञान की खोज में चला जाऊं। अब ज्ञान की खोज में जाए, उनको पता है कि भाई मेरी पत्नी भी है, मेरा बेटा भी है, राज्य भी है, कैसे छोड़ दूं? छोड़ना जरूरी है, अंदर की आवाज है कि छोड़ो, तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा स्वधर्म कुछ और है, बाहर की जिम्मेदारी है कि छोड़ नहीं सकते। मैं अनुमान करता हूं कि बुद्ध ने शायद अपने पिताजी से कहा होगा भी कि पिताजी मैं बहुत परेशान हूं, छोड़ना चाहता हूं। तो पिता ने समझा बुझा के मना किया होगा कि बेटा शोभा नहीं देता, ऐसा मत करो। हो सकता है पत्नी से ही बात की हो, पत्नी ने भी कहा हो कि ये क्या बात हुई, हम सबका जीवन तुम पे टिका है, बच्चा अभी बिस्तर से भी नहीं उतरा है, अभी तो चलना मैंने शुरू किया है, तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसका जिक्र नहीं मिलता इतिहास में कि यह बात हुई कि नहीं हुई। और एक दिन बुद्ध ने तय किया और वह आधी रात को पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ के चले गए। इसको बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, बुद्ध का अपने घर से निकल जाना। अब बुद्ध चले गए, लेकिन मैथिली शरण गुप्त यशोधरा के पर्सपेक्टिव से बुद्ध को देख रहे हैं। यशोधरा बहुत परेशान है, भाई पति चला गया है, बच्चे का पिता चला गया, मजाक छोड़ना है। राजा परेशान है कि उनका उत्तराधिकारी चला गया है। यशोधरा इतनी परेशान है, बहुत लंबे समय तक छंद आते रहते हैं कि वो कितनी बेचैन है, कितनी परेशान है। लेकिन यशोधरा की सबसे बड़ी परेशानी इस बात से नहीं कि बुद्ध चले, इस बात से कि बिना बताए चले, भरोसा नहीं किया। और अपनी सहेली से कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, मुझे गर्व है कि मेरा पति इतने महान काम के लिए गया है।
सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, क्या मैं रास्ता रोकती हूं उनका। उसके मन में ये मलाल है कि बिना बताए चले गए, वो इस भाव को लेट गो नहीं कर पा रही है, परेशान। फिर बुद्ध को ज्ञान मिला, 6 साल की तपस्या के बाद बोधि दृष्टि से ज्ञान मिला, बात फैल गई। जो 5 शिष्य बुद्ध को छोड़ के भाग गए थे उनके बुरे वक्त में, उन्हीं 5 को बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिए सारनाथ में, जिसको धर्म चक्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की ख्याति बढ़ने लगी। शुद्धोदन ने बुद्ध के पास, अपने बेटे के पास कई लोगों को भेजा ये कहने के लिए कि भाई यहां भी तो आओ, हमसे भी तो मिलो। बुद्ध का ऐसा प्रताप था कि जो उनके पास जाता वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता, वापस ही नहीं आता। तो फिर शुद्धोदन ने बुद्ध के बचपन के दोस्त को ये कह के भेजा, भैया मैं जानता हूं तुम वापस नहीं आओगे, पर प्रभावित होने से पहले बोल देने के पापा याद कर रहे थे। तो वो गया, उससे वायदा निभाया, हो तो गया, बुद्ध के संग में दीक्षित हो गया, पर वायदा निभा दिया। तो बुद्ध ने कहा जरूर जाऊंगा, पिताजी की आज्ञा जाऊंगा जाऊंगा। बुद्ध पहुंचे अपने कपिल वस्तु जो अपना इलाका था वहां पहुंचे। पूरे कपिल वस्तु में, नेपाल सिद्धार्थनगर से नेपाल जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर पे कपिल वस्तु है, मैं देखने गया था वो जगह जहां बुद्ध पैदा हुए थे, बड़ा सुंदर स्थान है, आप भी जाकर देखेंगे। तो बुद्ध पहुंचे रात को एक धर्मशाला में, गए अब वहां हल्ला मच गया कि राजा का बेटा धर्मशाला में। बुद्ध ने कहा भाई मैं देखो राजा का बेटा बन के नहीं आया हूं, मैं बुद्ध बन के आया हूं। सुबह उठ के भिक्षा मांगने लग गए उस इलाके में अपने ही पिता के राज्य में। पिता ने सिर पीट लिया कि भाई क्या कर रहा है। फिर बुद्ध ने सूचना भेजवाई कि मैं बुद्ध हूं, बेटा हूं संयोग से, ठीक है मैं आ रहा हूं मिलने के लिए, पर मैं बुद्ध होके आया हूं, मेरी चर्या है, नियम है, मैं भिक्षा से ही जीवन जीता हूं। ठीक है पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। फिर बुद्ध ने पिता से मिले, पिता से मिले, सबसे मिले, भरी सभा में, लेकिन ये शोधा नहीं है मिलने के लिए, लेट गो नहीं कर पा रहे थे। उसके मन में दर्द था, छूट के क्यों गया बता के जाता। बुद्ध ने पूछा पिता से कि यशोधरा कहाँ है, बोले कि वो कह रही है कि अगर बुद्ध मिलना चाहेंगे तो खुद ही मिल जाएंगे उससे। मैं क्यों जाऊंगी भाई, आपको सम्मानित हुआ चीज है, मैं क्यों मिल लेता। तो बुद्ध मिलने गए। अब सोचिए क्या सिचुएशन है, अभी आप तो पिन ड्रॉप साइलेंस में भी आप कहानी में खो चुके हैं पूरी तरह से। सोचिए कमरे में यशोधरा बैठी, राहुल साथ में, अब राहुल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 6-7 साल का है। बुद्ध गए हैं, अब आपके मन में कि बुद्ध वहां जाके बोलेंगे सॉरी मैंने गलत किया, आई हर्ट यू, आई रियली फील सॉरी। बुद्ध है वो बुद्ध, वहां जाके क्या बोल रहे हैं पता है, भिक्षां दे, भिक्षा दो। और यशोधरा कितनी महान महिला रही होगी, उसने अपने बेटे का हाथ बाप के हाथ में दे दिया। लेट गो का इससे महान उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं है कि चलो आखिर तुमने आके झूठ के कुछ मांगा तो सही। उसकी जितनी ईगो थी, अहंकार था, सब विघटित हो गया। और जो औरत परेशान थी मुझसे बिना बताया गया, उसने अपने बेटे को दे दिया कि इसको लेके जाओ, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम महान काम कर रहे हो, पर तुम महान काम कर रहे हो तो मैं क्यों पीछे जाऊंगी भाई, मेरा पति महान काम कर रहा है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, और तुम्हारी उस खुशी में मैं क्यों पीछे हटूं, बस मुझे भरोसे में लेके जाते तो और खुश होती। ऐसी दूसरी कहानी राधा जी की है। आपने राधा जी का बहुत जिक्र सुना होगा। देखो मैं तो मतलब किस सागो आदमी हूं, खूब कहानी सुनाता रहता हूं, जब आप बोलेंगे ऐसे इशारा करते ना मैं समझ जाऊंगा, थोड़ा चुप हो जाऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग ठीक लग रहे हैं मुझे, और मैं बच्चों को 8 घंटे लोरी सुनाता रहता हूं, जाते रहते हैं, पता है बच्चों को कैसे मानना होता है। राधा जी आप जानते हैं कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते थे, वो कृष्ण से प्रेम करते थे, उनका विवाह नहीं हो पाया, अलग बात है, लेकिन
हमारी परंपरा में प्रेम का जो पराकाष्ठा है ना, प्रेम का चरम, वो तो कृष्ण राधा का है। मतलब राधा कृष्ण का प्रेम एक खास किस्म का प्रेम है, जहां विवाह के बंधन के न होने पर भी प्रेम का चरम रूप होता है। राम और सीता का प्रेम गार्हस्थिक प्रेम का चरम रूप है, कि पति पत्नी का प्रेम कितना शानदार हो सकता है वो देखना हो तो राम सीता का प्रेम देखिए, विशेष रूप से तुलसीदास जी के यहाँ देखिए, और वैसे जो प्रेम होता है वो देखना हो तो राधा कृष्ण का प्रेम देखिए। पर इंटरेस्टिंग है, ये सारे जो हमारे धर्म के चरित्र हैं ये समय के साथ चेंज होते रहे हैं। राम बदले हैं, कृष्ण बदले हैं, राधा बदली हैं, सब बदले हैं। एक कवि थे सूरदास, भक्ति काल में 16 सेंचुरी अब मोटा मोटा ढंग लिखते, कृष्ण को आपने वो कहानी सुनी होगी, कृष्ण तो अपने घर में थे, कंस को मारने के लिए वो पैदा हुए थे। कंस को पता लगा तो कंस ने अपने एक सहयोगी अक्रूर जो कि श्वफल्क के पुत्र थे उनसे कहा कि जाओ और कृष्ण को लेके आओ, यही मारेंगे। उसको पता नहीं था क्या होगा बाद में, आदमी कॉन्फिडेंस में ऐसी गलती करता ही, तो वो सुपर कॉन्फिडेंट था, बुलवाया कृष्ण। कृष्ण तो इसी काम के लिए आए थे, समझ गए कि बुलावा आ गया है, अब इसे काम निपटाना है, चलते हैं। राधा और गोपियां कृष्ण के बिना रह नहीं सकती थी, सुपर इमोशनल विमेन, ऐसा मानते हैं कि वो महिलाएं, राधा तो छोटी थी बाकी महिलाएं गोपियां उनसे काफी बड़ी उम्र की थी, इतने इमोशनल थे कृष्ण को लेकर कि कृष्ण के बिना वो सोच नहीं सकते थे कैसे रहेंगे। पर वो जिस काम के लिए आए थे धरती पर वो तो करना ही था, तो अक्रूर आए, अक्रूर ने बताया कि ऐसे ऐसे आया हूं ले जाना है, तो कृष्ण और बलराम चले गए। इधर कृष्ण गए उधर गोपियों का रोधो की हाल बुरा, राधा का हाल बुरा, ऐसी दीवानगी आजकल की फिल्मों में आप सोच नहीं सकते, ऐसी दीवानगी थी उस जमाने में। और जब आदमी का प्रेम हाथ से निकलता है तो बेचारा कितना कमजोर हो जाता है, राधा जी की हालत सोचिए। सूरदास कह रहे हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी हरिश्रम जलु अंतर तन भीजे ताला लक्ष्मण धुआवती साड़ी, कि वृष भानु की कुमारी, वृष भानु मतलब राधा जी की, वृष भानु की बेटी राधा इतनी कमजोर हो गई है, इतनी मलिन हो गई है। हरि श्रम जलु अंतर तन भीजे, कृष्ण के पसीने की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिर गई थी, उसकी साड़ी में लगी हुई है। तार लालच न धुआवती साड़ी, इस लालच से साड़ी धुलवा नहीं रही है, और जब से कृष्ण गए हैं कपड़े तक नहीं बदलना चाह रही है कि इस कपड़े में मेरे प्रिय की याद है, खाती नहीं, इतनी कमजोर है, हिल नहीं पाती। एक और कवि हुए, वो तो इतने आगे बढ़ गए, बिहारी नाम के कवि थे, उनकी नायिका तो लगता है कि घड़ी का पेंडुलम है, सांस लेती है तो 4-5 कदम 6-7 कदम पीछे चली जाती है, सांस छोड़ती है तो आगे आ जाती है, सांस की हवा से ऐसा होगा। इत आवत चली जात कुछ चली 6-7 अखात, चली हिंडोरे सी रही लगी तो सांसनी साथ, कि इधर आती है उधर जाती है, 6-7 हाथ इधर 6-7 हाथ उधर, सांस लेती है तो यहाँ छोड़ती है तो वहां, जैसे झूला झूल रही हो। पर ये रीतिकाल की कवि है, उनका अलग टेस्ट है, हम सूरदास पे बात कर रहे हैं। राधा इतनी परेशान है। अच्छा, जब आदमी परेशान होता है ना, जब उसका ब्रेकअप टाइप का होता है कि कोई गया है वापस नहीं आ रहा, कृष्ण ने कहा था कि बस जा रहा हूं काम निपटा के आता हूं, उनके मन में था कि काम निपटाना है, काम निपटा भी दिया। अब कंस के बाद सवाल है कि मथुरा का साम्राज्य कौन संभाले, उसको एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कृष्ण को लगा कि मुझे यहाँ रह के सिस्टम को ठीक करना चाहिए, उसके बाद लौटना चाहिए, तो वो रुक गए वहां पर, राज्य का काम भी तो करना ही था। पर प्रेमी व्यक्ति को ऐसा समझ नहीं, उसको लगता कि नहीं मेरे पास आओ, बाकी सब बेकार की बात है, मेरे पास आओ। कृष्ण आ नहीं रहे, यमुना के इधर कृष्ण है, यमुना के इधर गोपियां हैं, पर आत्मसम्मान भी तो है। एक आलोचक ने कहा कि नाव में बैठ के चले जाती, आत्मसम्मान होता है प्रेम में कि मैं क्यों जाऊं, बिना बताए क्यों चले गए, बता के जाते हैं। तो राधा वेट करी, राधा के मन में क्या रहा, उनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलती कर ली हो, जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है ना बाकी लोग सोचते हैं कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई। और राधा अपनी सहेली से बोली गोपी से, मेरे मन इतनी सुन रही,
एक दिवस मेरे गृह आए मेरी मस्ती दही, देखी तिन्हें हो मान कियो सो हरि गुसा गही। पगलासी लगी है, बोरासी लगी है। सहेली से क्या बोल रही है? हे सहेली, मुझे पता क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि मुझसे गलती हुई है। उसने पूछा, क्या गलती हुई है? कह रही कि एक दिन क्या हुआ, कृष्ण भगवान मेरे पास आए थे, मैं उस समय दही मच रही थी। वो ग्वाला जीवन है ना वहां पर, तो वो गोपालक जीवन का काव्य है पूरा। अब वो मुझसे बात कर रहे हैं और मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की। मैंने मांग किया, मांग करना मतलब जिसको आपकी भाषा बोलते हैं भाव खाना, मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की। मुझे लगता है वो नाराज हो गए, इसी नाराजगी से लौट नहीं रहे। मेरे मन इतनी सूल रही, मेरे मन में कांटा चुभ रहा है। एक दिवस मेरे घर आए, अब समझ में आएगा, एक दिवस मेरे घर आए मैं ही मचती दही, देखी तिन्हें हाँ हाँ मतलब मैं मान कियो, मैंने अहंकार दिखाया, सो हरि गुस्सा गई, गुस्सा गया उनको इस बात से। सूरदास की राधा मुक्त नहीं हो पा रही, लेट गो नहीं कर पा रही, जी नहीं सकते कृष्ण के बिना। और फिर देखिए 300 साल बाद क्या हुआ। 300 साल बाद कमाल हुआ, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक और कवि हुए, उनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, हरियोत के नाम से पसंद है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास मतलब प्रिय प्रवास पे चला गया है कृष्ण, चले गए हैं मथुरा, अब राधा कैसे जिएगी। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो चुका है, महिलाएं अभी तक स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा नहीं बनी है, पर वो समय आ रहा है कि बनने वाली है। और हरियोत की राधा ने कमाल कर दिया है। गोपियां पूछती हैं, कृष्ण नहीं आ रहे, अब क्या करोगी? ये राधा जी क्या बोल रही हैं? प्यारे जीने जगहित करें, गेह चाहे ना आवे, मेरे प्रिय खूब जिए, समाज का कल्याण करें, घर बेशक ना आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहती हूं कि समाज का भला होना चाहिए। ये वो बिंदु है जहां राधा यशोधरा बन जाती है, मैथिली शब्द की यशोधरा। और जो मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं उस एग्जाम्पल से वो ये कि हो सकता है कि जिससे आप नाराज हो वो किसी बड़े काम की खोज में हो, वो किसी महानता के रास्ते पर हो। और यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी महानता के रास्ते पर है, तो उसके रास्ते को रोकना अपने क्षुद्र हितों के लिए बहुत छोटा पन है। और ऐसे मामले में एक ही बात मैं सोचनी है कि वो जिस काम के लिए बना है उसे करने दो, अपने स्वार्थ के लिए किसी को बांध के रखना, किसी को लाश बना के रखना, इसका क्या मतलब है? जाने दो, ऐसा क्या है? उससे बढ़िया होगा। एक स्थिति हमने से कई लोगों की आती है कि मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं पर छोड़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी होते हैं। मैं अक्सर बच्चों से एक बात पूछता हूं कि आप में से कितने बच्चे वैसा ही वैवाहिक जीवन चाहते हैं जो आपके माता पिता का। माय ग्रेटिट्यूड सर, इट वाज एन ऑनर टू बी सिंगल सर। सर मेरा आपसे सवाल हुआ कि कई एक आध एग्जाम्पल होंगे सर जहां आपने लेट गो किया होगा, आप अपने जीवन में किसी चीज में लेट गो किए होंगे, तो कोई एक आध ऐसा एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहे जिससे हमें भी प्रेरणा मिले। मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने कहा कि 7-8 साल पहले मैं थोड़ा एंग्जाइटी का शिकार हुआ, कई कारण थे, पर उसमें 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस समय। मतलब उन्होंने कर दिया, मैंने करवा भी लिया, अब तो मैं करवाता ही नहीं, तब मैंने करवा लिया था। अजीब किस्म के लोग पीछे पड़ के रात दिन 24 घंटे तनाव लेते रहना बिना किसी बात के, कोई वजह भी नहीं चाहिए। मैं बड़ा परेशान रहा, फिर बाद में परिस्थितियां बदल गई, मैं ठीक हो गया, मेरी स्थितियां ज्यादा बेहतर हो गई। तो उन दिनों मैंने एक रहीम का दोहा पढ़ा, वो मेरे जीवन का उसूल बन गया। उसके बाद एक दो बार मेरे मन में है कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और मेरे पास ताकत उनसे ज्यादा थी उस समय भी, आज भी। और अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही, जब मैं ही नहीं रहा
तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं तो मेरा है ही, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज से बाहर निकलना है। ये कुछ कुछ वैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सुअर लौटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफेद कमीज में छींटा पड़ गया है। अब दो ऑप्शन हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, तो पहले ही मस्त है, उसी गंदगी में उसका तो स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहां जाके, तो सबसे अच्छा क्या है, वहां से निकल जाना, लेट गो कर देना। तो मैंने रहीम का एक दोहा अपना सार बना लिया, रहीमन ओछे नरन सो बैर भरी ना प्रीति। रहीमन ओछे किस्म के लोगों से ना बैर अच्छा है ना प्यार अच्छा है, काटे चाटे श्वान के दुह भांति विप्रीति, कुत्ता काटे तो दिक्कत, कुत्ता चाटे तो दिक्कत। तो मेरा उसूल क्या है, इस तरह के लोगों से ना दोस्ती ना दुश्मनी, ना दिल में ग्रजेस रखने हैं, हिसाब बराबर कर दूंगा, हरा दूंगा, रखना ही नहीं। और मेरी अब ठीक ठाक दोस्ती दोस्ती तो क्या होगी, मतलब जब हम मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, मुझे दिक्कत है नहीं, नाराजगी भी नहीं, मुझे लगता है कि वो अपना धर्म निभा रहा था, मैं अपना निभा रहा। और अगर मैं दुश्मनी पाल लेता, अपना बीपी बढ़ाता, डायबिटीज करवा लेता, मैंने पाला ही नहीं, ना मैं पालता हूं। और भी ऐसे कई इंस्टांसेस हैं जहां दुश्मनी करने का पूरा स्कोप था, और मैं दुश्मनी कर पा रही, मुझे शौक ही नहीं दुश्मनी कर रहे, मेरा दुनिया में एक भी दुश्मन नहीं है, मतलब मैं कहीं हूं मेरा एक भी नहीं, जो मुझे अपने दुश्मन मानते हैं वो मेरे दुश्मन नहीं, मेरे लिए वो परिचित हैं, जो मित्र हो सकते थे हो सकते हैं, फिलहाल मित्र नहीं है लेकिन दुश्मनी नहीं। और अगर दुश्मनी कभी हो भी जाए ना, ये ध्यान रखना है कि बाद में दोस्ती हो सकती है। बशीर बद्र ने कहा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये मैं ध्यान रखता हूं हमेशा। सर मैं तीन बातें और ये दो बातें और एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, 30 सेकंड। सर पहले तो सर जो आप बातें कहते हो सर, मैं उसको सर गीता की तरह सर उसको लिख कर मैं खुद पढ़ता हूँ, शायद इसलिए शायद आपकी आवाज बहुत प्यारी है सर, दुर्भाग्य है कि रिजेक्शन मिला नहीं मुझे। शादियों में तो मौका मिला ही नहीं, अब मैं मौका ढूंढ रहा हूं, वो अनुभव मेरे जीवन में नहीं आया कभी। और एक सर जो आप दृष्टि सर फाउंडेशन आप जो चलाते हैं सर, उसमें सर मैं इनरोल्ड हूं एक एनसीईआरटी बैच के अंदर जी। तो सर उसके अंदर मैंने एक जो नंबर से जो वो कोर्स ले रखा है सर, वो सर नंबर हो गया मेरा बंद। अब एक काम करो, सुनो सुनो, तुरंत नीचे भाग के आओ, यहाँ हमारे टीम के दोनों बैठे हैं, सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम, भाग के आओ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सर मेरा एक प्रश्न है आपसे कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बचपन से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही, और सर मेरी जिंदगी में ऐसा एक वक्त आया जब मुझे दो बार असफलता का सामना करना पड़ा, और सर तीसरी बार मैं सफल हुई, परंतु सर आज भी वो डर मेरे मन से नहीं जा रहा, अभी भी मैं उसको फेस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे फेल होगी। और सर कभी ऐसा होता है कि मैं सो रही हूँ और रात में मुझे वो डर लगता है कि आगे मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है कि आगे अगर मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ तो मुझे उस असफलता का डर रहता है कि जो मैंने फेस किया है, और सर मैं उससे उभर नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे ख्याल से ये असफलता आपसे आपके पेरेंट्स आपके टीचर्स की है कि उन्होंने आपको, मतलब कुछ बच्चे अपने आप से इतनी उम्मीद पाल लेते हैं कि फेलियर झेल नहीं पाते, आप वैसे बच्चों में हैं,
जो आपने कहा ना कि मैं शुरू से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, yes, ये दुर्भाग्य की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे अच्छे स्टूडेंट बने। अच्छे स्टूडेंट का मतलब जो बहुत पढ़ाकू किस्म के होते हैं, सीधे स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर में घुसते ही होमवर्क करना शुरू किया, वैसे बच्चे जिंदगी में बड़े परेशान रहते हैं। बच्चों को होना चाहिए छठा हुआ टाइप का, शरारती, बदमाश, बड़े काम भी करें स्कूल का, लेकिन बेसिकली आपको स्मार्ट होना है, कॉन्फिडेंट होना है। पढ़ाकू होने से जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चलती है, जिंदगी के लिए ना व्यक्तित्व चाहिए। हुआ क्या आपके साथ, आपको बता दिया गया कि अच्छा बच्चा वो है जो पढ़ता है, होमवर्क करता है, आपने वो सब किया, तारीफें आपकी इतनी हुई होंगी कि बेटा तुम तो कुछ भी कर दोगी, आपको भरोसा होगा कि कुछ भी कर दूंगी। लेकिन ऐसी ऐसी तारीफें हर गांव, हर मोहल्ले में कई बच्चों की हो रही थी। जब उन सब में कॉम्पिटिशन हुआ तो कुछ सफल हुए, बहुत सफल नहीं हो पाए, तो जो सफल नहीं हो पाए उनको बहुत बेचैनी हुई। आपका सौभाग्य है कि आप तीसरी बार में सफल हो गए। कई ऐसे लोग हैं जो कभी सफल नहीं हुए जिंदगी में, उनको भी तो जीना है। तो मैं एक ही वक्त हुआ अपने आप से उम्मीदें कम कर ली थी, और ये आसान नहीं होता है। इसका तरीका ये है कि एक दो ऐसे अच्छे दोस्त, जो अच्छे भी हैं, दोस्त भी हैं, और बहुत उम्मीदें ना रखते हैं, ना आपको रखने देंगे अपने आप से। डायरी लिखने से लेकर कुछ अच्छे उपन्यास पढ़ना, अच्छी फिल्में देखना, जो आपको सहज होना सिखाएं, लेकिन महान होना सिखाएं। महानता से बड़ा कोई रोग नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ना, सामान्य होना है। असली जद्दोजहद सामान्य होने की है, महान होने की नहीं, सहज होना है। तो अपने आप से क्या कहना, रोज कहना है कोशिश पूरी करूंगी, सफलता मिली तो बढ़िया, नहीं तो क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो हमने भी ये चीज सुनी है कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है एक दिन उसे वो मिलता ही है, तो उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। तो सर एक इनके बीच में क्या एक थिन लाइन नहीं है कि हमने सोचा जैसे 71st डे पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे और नहीं होगा, अब मैं नहीं करूँगी, माना कि वो गिव अप भी कहा जाता है, लेकिन अगर मेरे नसीब में है कि नहीं यार कल ये तुझसे हो जाएगा, अगर मैं कोई भी टास्क कर रही हूँ कल ये कंप्लीट होगा, लेकिन मैं सोचूँ नहीं मेरे से ये प्रेशर नहीं हो रहा, आई शुड लेट गो दिस, आई शुड स्टार्ट सम अदर थिंग, तो क्या ये मुझे लेट गो करना कभी रिग्रेट नहीं कर सकता कि लाइफ में यार एक दिन और ट्राई कर लेती तो शायद मिल ही जाता। देखिए जो नसीब का मामला है, मेरे ख्याल से आपकी उम्र में नसीब को नहीं मानना चाहिए। दुनिया में किसी को नहीं पता, आप किसी भी धर्म के किसी बाबा को ले आइए, मैं उससे बहस करने को तैयार हूं, किसी को भी नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का डाल है, मैं भी तुक्का डाल रहा हूं, ठीक। जो हार जाता है उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियत, बहुत जरूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने वाले आईएएस बन जाते या कुछ बन जाते। ये हो सकता है कि आईएएस बनने के एग्जाम में 10 ने मेहनत की, उनमें से 8 का हुआ, 2 का नहीं हुआ, पर ये नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत नहीं की से उसका आईएएस हो गया। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। सबसे अच्छी मतलब बाकी से मेरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लिख पाएंगे। और इसलिए अगर आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी कोई काम, तो उसको गिव अप ही कहते हैं। लेट गो का मतलब क्या होता है, जब आप मन भर चुका है अब उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही। जैसे आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पाए, तैयारी छोड़ दी, गिव अप है। बन गए, नौकरी की मजा नहीं आया, छोड़ दिया, ये लेट गो है। लेट गो करने के लिए पहले हासिल करना पड़ता है, या हासिल होने से पहले उस मनोभूमि पर पहुंचना पड़ता है जहां हासिल होने का सुख आपने महसूस कर लिया और उसमें मजा नहीं आया, ठीक ही है, औसत है, तब छोड़ दिया।
इसलिए आपकी उम्र को शोभा नहीं देता कि हम नसीब की बात करें, ये शोभा देते मेरी उम्र में। तो 30-40 के बाद नसीब भाग्य नियति चलेगा। फिलहाल कर्म पर भरोसा कीजिए, मेहनत डिसिप्लिन और मोटिवेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन। याद रखिएगा, मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है फिर ऐसे नीचे आकर गिर जाए, डिसिप्लिन ऐसे रहता है। और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हमेशा मोटिवेशन वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होगा, ये मान के चलिए। सबसे अच्छा क्या है? मोटिवेशन विद डिसिप्लिन। तो कोशिश कीजिए कि नसीब पे ना छोड़िए, अपने भरोसे। तो दोस्तों पूरा इवेंट सक्सेसफुली खत्म हो चुका है। अब आपको अपनी जो उड़ान कोर टीम है उससे मिलवाने वाले हैं, उनसे पूछने वाले हैं उनको ये इवेंट सक्सेस कराने में कितना अच्छा लगा। अरे यार कैसे सारा हाथ मेरा ही था। हाँ जी हाँ जी, और ऑर्गेनाइज को मैनेज किया है अध्यक्ष के साथ, निहान निहान सबको, और बैक स्टेज पे हम लोगों ने काम संभाला था पूरा सक्सेसफुली। और संभालने में तो सबसे बड़ा रोल प्ले किया हमारे फ्रेंड हैं, सीनियर मेंबर ऑफ उड़ान, ऑर्गेनाइजिंग विंग से, ऑर्गेनाइजिंग विंग से हमेशा। और ये वीडियो प्रेसिडेंट से मिले बिना तो अधूरा है। आर फ्यूल टू रॉकेट उड़ान तो कुछ किया ही नहीं है, सारा सब इसने किया है, पूरा वो सारा वो बनना सब मैंने सब किया है। इनके लिए रिश्ते हैं तो कांटेक्ट। हाँ ये एक रिश्ता आ चुका है अभी अभी, एक फूल मिला है मेरे लिए आया तो प्लीज मैं फिर मीट संजय-24। और अगर अगर हमारी सीनियर एडवाइजर की हमारे पे दृष्टि नहीं होती, दया दृष्टि, तो ऐसा हो नहीं पाता हमारी सीनियर एडवाइजर। तो आपको जिसको भी मैसेज करना है सब आराम से करना। तो बस इसी के साथ नोट कर लो भाई आईडी सब लोग। बाय 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 बाय।